मेरा जान कैसा है ये बंधन बोले तड़पन लागी छूटे ना लागी छूटे ना। तुम ही लो मत, तुम ही लोगी तुम्हें दर्द होगा। खुशी की फिक्र मत करना, खुशी दूसरे कमरे में बिल्कुल ठीक है। और तुम मेरी फिक्र तो बिल्कुल मत करो, मैं तो संभाल लूंगा अपने आप को। संभालूंगा, तुम अच्छे से संभाल रहे हो दिख रहा है मुझे। ये क्या है, बच्चों की तरह रो रहे हो तुम पागल? अरे तुम कैसी सी हो यार? ए, मुझे यार मत बुलाओ। तुम बिल्कुल नहीं बदली अभी, यहाँ हॉस्पिटल बेड पे भी ऐसे नहीं बदली। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम नहीं बदली। और ऐसे कौन बोलता है तुम्हारे सामने कोई कोई चैन से रो भी नहीं सकता है यार। इधर आओ, मैं हूँ, जिंदा हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुम्हें रोने क्यों दूंगी पगलू? रोने मत दो, पर प्यार से बोलो ना अपने पगलू को। वैसे बोलो जैसे टीचर हो मेरी, ऐसे कोई डांटता है मत। ओके, मैं नहीं हंसाऊंगा, मैं बस तुम्हें गुदगुदी करूँ क्या? सॉरी सॉरी चाची। हाँ बोलो ना, तुमसे कुछ कहना है मुझे भी। पहले तुम बोलो। थैंक यू। तुम एग्जैक्टली तब आए जब तुम्हारी जरूरत थी, हमेशा की तरह तुम आए। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे तुम्हारी तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम सोच नहीं सकती हो कितनी ज्यादा तुम्हारी खुशी दोनों की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? मैं बुलाऊंगा तुम ठीक हो ना? तुम रो मत, रो क्यों रहे हो, दर्द हो रहा है? तुम्हारे बिना जो समय गुजरा है ना शब्बीर, उस समय बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द। तुम घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो समय हमारे हाथ से निकल गया ना, वो सारा समय मैं प्रॉमिस में वापस नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, बस मेरी एक शर्त है तुमसे। मुझसे वादा करो तुम मुझे अपने से जुदा नहीं करोगे कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। भाई समझा करो। तुम्हें और मुझे कोई जुदा नहीं करेगा, कोई नहीं। ओ माही रे, माही मैनू छड़े ओ ना, के तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही, मैं तेरे पीछे पीछे चलना। मम्मा अभी भी फोन नहीं लग रहा है। ओ, हाँ हाँ जी मैं पहुंच गया हूँ, सामने ही दिख रहा है। चाबी वाला? जी अभय सर ने भेजा है, यहाँ तक का रास्ता उन्होंने ही बताया। तो अभय कितने? वो किसी अक्षय सर के आगे हैं, ऐसा बताया उन्होंने। अच्छा छोड़, तू आ जा, चल जल्दी से खोल दे दरवाजा। ये लैच खोलना है, सामान ले आया ना तू सब? जी जी आप साइड हो जाइए, चाबी बनानी पड़ेगी। जल्दी करा। दीदी क्या हो रहा है यहाँ, कौन है ये? वो ये डुप्लीकेट चाबी के लिए बुलवाया है। डुप्लीकेट चाबी क्यों? ताले को क्या हो गया, मतलब चाबी कहाँ है इसकी?
खो दी। किसने खो दी? इन लोगों ने। बड़े हो गए लेकिन बचपन नहीं गया अभी तक। क्या गेम खेल रहे थे? लॉक लॉक। लॉक लॉक। तो ये लैच को लॉक कर दिया और चाबी खो दी। कहाँ रखी है, कुछ होश ही नहीं इन लोगों को। हाँ वो मुझसे ही चाबी खोई है, पर गलती से हुआ एक्चुअली। वो हम दोनों को लॉक लॉक गेम बहुत पसंद है ना, इसने मुझे भी लॉक कर दिया था, फिर मैंने इसे लॉक कर दिया, फिर इसने मुझे लॉक कर दिया, फिर इसने मैंने। तुम दोनों छोटे बच्चे हो क्या? ये बड़ी हंसी आ रही है। सॉरी इनकी बात सुन के। बातें सुनने आए हैं, काम करने आए हैं। चल जल्दी से चाबी बनाओ और खोल दे इस लैच को। सॉरी सॉरी। मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। मैं बहुत घबरा गया था, पता नहीं कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। समझ तो गया था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बहुत फोन किया मैंने तुम्हें, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर मैंने रणबीर को फोन किया और मुझे पता चला कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में। उसी ने बचाया है। सोच के भी डर लग रहा है कि मेरे साथ खुशी थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आज अगर हम दोनों जिंदा हैं तो सिर्फ रणबीर की वजह से। कुछ नहीं होता, तुम भी ठीक हो, खुशी भी ठीक है, ऐसे मत बोलो। चलिए आप सभी अभी बाहर चलिए, यहाँ बस एक ही इंसान रुक सकता है और वो भी रूम के बाहर। एक्चुअली मुझे नहीं नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, तुम सब जाओ बाहर, आई एम ओके। ख्याल रखना। मैं बाहर ही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी एक कहने पे आ जाऊंगा, घबराना मत। भाई चलो भाभी को रेस्ट करने देते हैं। आपको रणबीर पसंद है ना, आपको उनके साथ होना चाहिए, बहुत अच्छे हस्बैंड है वो। आई एम सो सॉरी, मुझे आपके पर्सनल मैटर में बोलना नहीं चाहिए, पर आप दोनों को देखकर रहा नहीं गया, दिल क्या बोल दूँ इसलिए कह दिया। हद हो गई है, तुम दोनों छोटे बच्चे हो क्या? क्या गेम है ये? मॉम आप जाओ ना, आप जाओ, आप जाके अपना फोन चेक करो, आपको कोई कॉल आया होगा, कोई बुरी खबर आई होगी तो चेक करो ना जाके। मीका क्या बोल रही है ये? अरे तू तो जानती है ना इसकी आदत, वो अंदर बंद हो गई है तो कुछ भी बोली जा रही है, तो ध्यान मत दे इसकी बातों पे। हाँ खुल गया। Oh, thank God, finally.
नहीं भाई 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 हॉस्पिटल है क्या? गलती मत करना वरना एक मारूंगा ना अक्षय सबके सामने, बहुत मारूंगा। ऐसा हाल करूंगा ना तेरा, अपने आपको पहचान नहीं पाएगा तू और मुझे भी नहीं पहचान पाएगा। तुझे लगेगा कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई कुंडा मवाली हूँ, इतना पीटूंगा ठीक है? देख मैं साफ साफ तुझे बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे इज्जत चाहिए ना तो खुद इज्जतदार बन पहले। तूने कुछ भी किया ना तो मैं अपना कैरेक्टर ऐसे बदल दूंगा, तो अभी कुछ मत कर, मत कर। बोलिया अब मेरी सुन, अंदर जो है ना पत्नी है मेरी। कौन है? पत्नी, बीवी, मेरी बीवी, माइंडेड। और तू यहाँ पर पति के सिग्नेचर जहाँ पर होते हैं वहां पर तू साइन कर रहा है। यहाँ के लोग समझते हैं कि प्राची का पति तू है, गलत है या नहीं पता? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लोग उसका पति समझे, उसका नौकर समझे, चोरू का गुलाम समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है प्राची से, प्राची की मुस्कुराहट से और प्राची से। बस मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ करना भी नहीं है। और सुन, प्राची के साथ ना मैं हमेशा रहूंगा, अपने दिमाग में ना ये बात डाल ले, प्राची मेरी ही रहेगी, और अगर मैं उसके साथ दिख भी नहीं रहा हूँ ना तब भी मैं उसके साथ ही रहूंगा, और प्राची के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी। और ये बात तू अच्छे से जानता है, मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाऊंगा, आज भी आगे भी हर बार। और अगर इस दौरान तूने बीच में आके ज्यादा दावा दिया ना कि मेरी पत्नी है प्राची, मेरी पत्नी है प्राची, तो ये मैं सोचना मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सबके सामने खड़ा होऊंगा और मैं दावा करूंगा कि प्राची मेरी पत्नी है। और अगर एक बार मैंने दावा करना शुरू किया ना अक्षय, तो तू ऐसे गायब होगा ऐसे, समझा? इसीलिए अपने दिमाग को ठिकाने पे ला और समझ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर तेरे लिए नहीं आया हूँ, तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर मैं सिर्फ प्राची के लिए आया हूँ। तो अब अगर तूने कुछ भी किया ना, मैं बता रहा हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, समझ जा। खत्म? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। तेरी ये घटिया हरकतों की वजह से ना मैं तुझे प्राची की जिंदगी से दूर करता हूँ। अगर तूने अपना दिमाग ठिकाने पे नहीं लाया ना अक्षय, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये याद रखना, मुझे तेरा सारा सच पता है, तेरा और प्राची का सच क्या है मैं जानता हूं, मुझे पता है तू प्राची का पति तो नहीं है। तो इसीलिए कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले मेरी बात समझ लेना अच्छे से। लेक्चर खत्म। हॉनेस्टली रणबीर, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। रणबीर सर, प्राची आपको बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है। जी भाई, करने क्या वाले हो आप? वक्त आ गया है। किस चीज का? इश्क और जंग में सब जायज होने का वक्त आ गया है। अब तो देखना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दिया है तो नींद आ रही है एकदम से। तो ठीक है, तुम सो जाओ, तुम आराम कर लो। मैं सो जाऊंगी, पर मुझे ना। क्या? बोलो, क्या हुआ, कुछ चाहिए? खुशी की चिंता हो रही है। खुशी की चिंता? क्यों? अरे खुशी, मैंने बोला ना खुशी बिल्कुल ठीक है, वो दूसरे रूम में सो रही है आराम से। I know, पर उसे देखा नहीं है ना, तो एक बार देखना है मुझे, उसके रूम में ले चलो ना प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें उसके रूम में लेके चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर के बाद चलते, क्योंकि अभी ना वो सो रही है। कोई बात नहीं, सोता हुआ देख लूंगी। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, 5 मिनट आंखें बंद कर लो,
फिर उसके बाद आराम से मैं तुम्हें ले चलूंगा, ओके? सो जाओ। कह सकता हूं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। जब तुम मेरे आसपास नहीं थी ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। तुम मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं जब आंखें बंद करता था ना, तुम मेरे सामने आ जाती थी। तुम मेरे पास हो, मेरे सामने हो, मेरी जिंदगी में हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम हो तो सब है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। जानता हूं मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हें ना मेरे जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। आई एम द बेस्ट फॉर यू। यस, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, I don't think कोई करेगा। And अगर कोई प्यार करने वाला आप ही क्या, मेरे जितना प्यार नहीं कर पाएगा। तुम मुझसे दूर भागती रहती हो और मैं हमेशा भाग के तुम्हारे पास आ जाता हूं, है ना? जैसे अभी आ गया। सुनो, कैसा प्यार करती हो तुम मुझसे? जैसा प्यार तुम मुझसे करती हो वैसा। जी, हमारी जो जिंदगी है ना, वो बहुत बड़ी नहीं होती है। हम जिस चीज से प्यार करते हैं, हमें उसको जाने नहीं देना चाहिए। मुझे खुशी के पास ले चलोगे प्लीज? तुम नहीं मानोगी ना। चलो। थैंक यू। आराम से, लेकिन आराम से हाथ दो, हाथ दो। चलो, हाँ, कम आराम से, स्लोली, ओके? अरे प्राची, 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 तुम बस लग रहा, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल नहीं उठी। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, दवाई की वजह से। बहुत हो गया। इसलिए तुम थोड़ी देर बैठो, लेटो, शांत हो जाओ। भाई आप कहाँ जा रहे हो? तुम चलो यहाँ बैठो। चलो 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 चलो, आराम से यहाँ बैठो। बैठो। दो मिनट यहाँ पे रुको, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, ठीक है? अकेले मत चली जाना। आ रहे डॉक्टर। तेरी ये घटिया हरकतों की वजह से ना, मैं तुझे प्राची की जिंदगी से दूर करता हूं। मुझे पता है तू प्राची का पति तो नहीं है। प्राची के साथ ना मैं हमेशा रहूंगा। अपने दिमाग में ना ये बात डाल ले। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं कर सकता वो मेरे साथ ऐसा। मीका रुक, मीका मेरी गल तो सुन। मीका रुक तो सही। मीका, क्या हुआ पुत्र? मीका रुक तो सही। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। आप कह रहे हो तो रुक जाऊंगी मैं, और क्यों कह रहे हो? सबको प्रॉब्लम क्या है इस घर में? कोई मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने क्यों नहीं दे रहा? कमरे की क्या हालत बना रखी है? सारा सामान पहनने से क्या किया है तुमने? ओ वाओ, अब आप चाहते होंगे कि पहले मैं अपना रूम क्लीन करूं तभी यहाँ से बाहर जा सकती हूँ, है ना? यही चाहते हो ना? ठीक है, मैं अभी अपना रूम क्लीन करके आती हूँ। ओके। मीका, मीका पुत्र, रुक रुक रुक। तेरी मम्मी इसलिए पूछ रही है कि तेरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है, क्या हुआ? क्या मेरा रूम है, मैं जैसे भी रखूं, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ और पूछना है? ये क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? मीका सॉरी बोल पहले। हाँ, क्या हुआ है तुझे? जी, मेरा 350 रुपया जो मैंने ताला बनाया था उसके लिए, आप लोगों के लिए तो कम कर दिया, वरना 500 रुपया से कम नहीं जाता हूँ कहीं पे।
पुलिस? आप लोग यहाँ? हम यहाँ गिरफ्तारी करने आए। कहीं प्राची को तो कुछ नहीं हुआ है? उसका एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में ये लोग अब किसको गिरफ्तार करने आए हैं? सर सर हमने कोई चोरी नहीं की है सर, सच बोल रहा हूँ सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, कसम से सर, कसम से। हाँ देखो हमें मीका को अरेस्ट करना है। कौन है मीका यहाँ पे? मैं हूँ। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या किया मेरी बेटी ने? इन्होंने प्राची टंडन को जान से मारने की कोशिश की है। रिपोर्ट तो अच्छी है, बेहतर है पहले से। जो हम ट्रीटमेंट कर रहे थे वही हम कंटिन्यू करेंगे, वही रिजल्ट देगा हमें। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, आपको मेरे साथ चलना होगा सर, अभी इसी वक्त में बहुत बड़ी इमरजेंसी है। एक मिनट, मैं यहाँ अपने पेशेंट से ही बात कर रहा हूँ। आई नो पर अभी तो आप कंसल्ट कर रहे हैं ना, इमरजेंसी नहीं है, मैं जिसके लिए आया हूँ वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, प्लीज मेरे साथ चलिए ना सर। पर ऐसे कैसे यहाँ से मैं जा सकता हूँ? आप चल सकते हैं, आपको बस कुछ देर, दो मिनट लगेगी। जाइए डॉक्टर, आप प्लीज जाइए उनके साथ। थैंक यू सो मच। हुआ क्या उन्हें? सर आप पहले चलिए ना, ये सर ये सब रहने दीजिए, आप थोड़ा जल्दी चलिए ना। पर बताओ क्या हुआ उन्हें? सर वो उन्होंने आंखें बंद करी और उसके बाद मैं उनसे बात कर रहा था, वो बात नहीं कर पा रही है, वो कुछ बोल नहीं रही। क्या कहा आपने? जान से कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रहे हैं। आप बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। ये तो घर पर थी और प्राची अपनी बेटी खुशी का एडमिशन करवाने के लिए गई हुई है। हाँ पहले क्लियर कीजिए कि मारने की कोशिश की थी कि मार डाला। प्राची की मौत नहीं हुई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कौन से हॉस्पिटल में? वो कैसी है? वो खतरे में तो नहीं ना? अब सुनिए, आप फोन कीजिए ना एक बार अक्षय का। एक मिनट, ये सब कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ उनका, उनकी कार का ब्रेक फेल कर दिया गया था। और खुशी, खुशी भी तो थी ना उसके साथ, बच्ची कैसी है? वो ठीक है और प्राची भी ठीक है। एक्सीडेंट बड़ा था लेकिन प्राची सेफ है। महिका जी आपको हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। एक मिनट, अगर प्राची ठीक है और खुशी भी ठीक है तो आप महिका को क्यों लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन? फिर बात ये नहीं है कि प्राची अगर ठीक है तो मीका को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी है और प्राची इसकी भाभी है। प्राची और खुशी को ये बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ उनके बारे में गलत सोच ही नहीं सकती, मेरे बच्चों के संस्कार ऐसे हैं ही नहीं। सबको अपने बच्चों के बारे मुझे मेरी बेटी के बारे में पता है ना, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मीका ने किया क्या है जो आप उसको? ब्रेक फेल किया है। और जैसे हमें पता चला कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है हम वहाँ पहुँचे, हमने पूरी तरह से गाड़ी को चेक किया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये काम मेहका ने किया है। लगता है अक्षय ने बता दिया है सब कुछ, पागल है ये लड़का। इंस्पेक्टर साहब गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, गाड़ी की ब्रेक फेल मेहका ने नहीं रणबीर ने की थी। बस मॉम प्लीज रिलैक्स, सबूत चाहिए आपको, मैं आपको सबूत दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि ये गाड़ी की ब्रेक फेल रणबीर ने की थी, मीका ने नहीं। प्राची डॉक्टर आ रहे हैं। प्राची 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 आंखें खोलो ना, कुछ लेके आओ, कुछ चाहिए। प्राची तुम ठीक हो ना? डॉक्टर प्राची को होश नहीं आ रहा है, वो आंखें नहीं खोल रही अपनी, आप एक बार चेक कीजिए ना प्लीज।
डॉक्टर बोलिए ना, वो ठीक है क्या? बताइए ना मुझे, वो आके नहीं खोल रही अभी, अभी अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी वो। पता नहीं अभी तो बात कर रही थी ठीक से, पता नहीं क्या हो गया। प्राची तुम आप चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ? अभी दवाई ली है ना तो उसका असर है ये। सिर्फ दवाई का असर है मतलब? वैसे ठीक है ना प्राची? हाँ, बिल्कुल, तो नहीं ना? ये मेडिसिन का असर है, इन्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है। थैंक गॉड सर, थैंक यू सो मच। मैं प्राची को कुछ होने नहीं दे सकता, उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा यार। बेचारी अभी तो ठीक हुई है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ना ही इंटरनली ब्लीडिंग हुआ है और ना कोई इंटरनल इंजुरीज है, सो नथिंग टू वरी एट ऑल, ये ठीक हो जाएंगी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तुम क्या कर रही हो यार ये मेरे साथ? तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और प्लस तुम्हारे साथ ना होने की फीलिंग ना इतनी डरावनी है कि मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम मुझे छोड़ कहीं नहीं जाओगी। अकलू, हाँ? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। I'm so sorry.